अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एतज़ाज़ अहसन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो भाई आज मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि आज आपके पास दो बड़े मोबाइल्स का मैं कैमरा टेस्ट लेके आने वाला हूं। और जो मेरे पास मोबाइल है वो है वीवो V29 और आईफोन 14 प्रो मैक्स। इन दोनों का कैमरा टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि किसका कैमरा रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है। आप लोगों ने कॉमेंट करके लास्ट में मुझे ज़रूर बताना कि भाई इस फ़ोन का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है। हम लोग कोशिश करेंगे कि इनकी एडिटिंग ना करें, एज़ इट इज़ जैसे फ़ोटो वैसे ही मैं यहां पर लगा दूंगा। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि किसका रिजल्ट ज्यादा अच्छा है। तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए शुरू करते हैं। तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिल्कुल धूप के अपने सामने। माइक भी मैं पहले चलाऊंगा 14 प्रो मैक्स का, फिर वीवो V29 का। तो अभी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो हो रही है 4K 60 FPS से आईफोन के, और वीवो V29 के 4K 30 FPS पे। दोनों का आपको रिजल्ट नज़र आ रहा होगा। अब मैं धूप के अपोजिट साइड पर जाता हूँ और अब आपको पता चलेगा कि किसका जो फोकस है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे फोकस कौन सा ज़्यादा लग रहा है। थोड़ा सा मैं साइड पे हो जाता हूँ, आप लोगों को पता चल रहा होगा। मैं ये वीडियो इसलिए शूट करूँ ताकि आपको व्लॉगिंग की समझ आ सके कि अगर आप व्लॉगिंग के लिए कोई फ़ोन लेना चाहते हैं तो किस तरह का फ़ोन आपको V29 जो है वो रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। मैंने ऑन कर लिए दोनों मोबाइल 10K 60 FPS के ऊपर, और ये 1080p वीवो V29 जो है इसको मैंने शिफ्ट कर लिया है 1080p 30 FPS के ऊपर, जिसमें आपको स्टेबलाइजेशन का पता चल जाएगा कि इन दोनों कैमराज में आपको स्टेबलाइजेशन मोड किसकी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। और आपको यहाँ से अंदाज़ा हो रहा होगा कि स्टेबलाइजेशन किसकी अच्छी है ज़्यादा। फ्रंट ये दोनों फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड हो रहे हैं। जो माइक है वो दोनों का मैं बारी बारी ले आऊँगा, आपको पता चलेगा। ये कोई धूप में वीडियो को मैं रिकॉर्ड करूं अब आपको समझ आ जाएगी। और ये कोई धूप के अपोजिट पे मैं आ जाता हूं 1080p 60 FPS के ऊपर। तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आईफोन 14 प्रो मैक्स से फ्रंट कैमरे से, जो कि है थोड़ा सा नाइट टाइम में। मेरा लाइट की लाइट इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है, कम है, और आप लोग को पता चला होगा कलर्स वगैरह कैसा दे रहा है आईफोन 14 प्रो मैक्स नाइट टाइम में। अब हम लोग चलते हैं और चेक करते हैं वीवो V29 के कैसा रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता है। तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीवो V29 से, जो कि है कम लाइट में, और आप लोग को अंदाज़ा हो रहा होगा कम लाइट में जो उसका रिजल्ट है वो कैसा है और कैसा रिजल्ट आपको ये प्रोवाइड करता है। अब ये वीडियो मैं लास्ट में शूट कर रहा हूँ और आप लोग को दिखाने के लिए कि जो इसके अंदर लाइट्स दी गई हैं वो मेरे ख्याल में इतना नहीं यूज़ होती। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं फुल डार्क कर लेता हूँ और बस हल्का सा आपकी फ़ोटो के अंदर वो रेड टोन आएगी अगर आप रेड टोन करोगे, या जैसे कि अब हम इसको लाइट कर लेते हैं और लाइट कर लेते हैं। अब इसके अंदर थोड़ी सी ये लाइट टोन आ रहेगी, ज़्यादा ये लाइट मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ में प्रॉब्लम है। मैं आपको अब अपने ऊपर फोकस करके दिखाता हूँ। तो ये कुछ फ़ोटो थी, मैंने सोचा आपको ऐसे करके दिखाया जाए ताकि आपको। अब इसने सिर्फ मेरे फेस के ऊपर हल्का फुल्का वो रेड टोन दी है, बाकी मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा फ़र्क जो है इसके अंदर। जैसे अब मैं यहाँ से इन बटन्स की फ़ोटो क्रीप करके लेता हूँ तो बस ये उसके अंदर थोड़ा सा आपको रेड या ऑरेंज इस तरह की टोन प्रोवाइड कर देगी। अदर देन उसके अलावा मुझे इस लाइट का कोई यूज़ इतना ख़ास नहीं लगा। जितने भी वीडियो सैंपल्स थे वो वीवो V29 के और आईफोन 14 प्रो मैक्स के थे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा फ़ोन ज़्यादा पसंद आया। मुझे तो वैसे दोनों ही पसंद आया, लेकिन आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है।
ये वीडियो देख के आपको पता चल गया हो कि आपको कौन सा फ़ोन व्लॉगिंग के लिए बाय करना चाहिए, क्योंकि मैंने थोड़ी रफली वीडियोस वगैरह शूट किए ताकि आप लोग को अंदाज़ा हो, जैसे नॉर्मल तौर पे हम लोग कैमरा यूज़ करते हैं ये उसी तरह बिल्कुल मैंने कैमरा यूज़ करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई ये फ़ोन हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर दोनों फ़ोन्स की नाइट की बात करूँ तो रात में इतने ख़ास इनके फ्रंट कैमरे और बैक कैमरे काम नहीं करते। बैक कैमरे में अगर आप दोनों कैमरों में फ्लैश लाइट ऑन करते हैं तो तब जाके कुछ रिजल्ट अच्छा देखने के लिए मिलता है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।